अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड इन्फो न्यूज। दोस्तों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरा हर पहला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हर रोज मस्जिद अल हरम की सफाई कितने हजार लोग करते हैं। प्यारे दोस्तों बहुत ही खूबसूरत वीडियो है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि दिल से वीडियो को लाइक करके पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल वर्ल्ड इन्फो न्यूज को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों सऊदी अरब दुनिया के सबसे पाक शहर मक्का और मदीना यही मौजूद है। यहाँ दो पाक मस्जिदों की रमजान के मुकद्दस महीने में रौनक बढ़ जाती है। इन मस्जिदों को दो में इस माह भारी तादाद में दुनिया भर से मुसलमान आते हैं। ऐसे तो इन मस्जिदों की रोजाना साफ सफाई और देखरेख होती है, लेकिन रमजान शरीफ के मुकद्दस महीने में रोजा नमाज और इफ्तार के समय यह खास ध्यान रखा जाता है। सऊदी प्रेस एजेंसी ने एक न्यूज प्रकाशित की है कि जिसमें कहा गया है कि दो पाक मस्जिदों की सफाई का खास ध्यान रखा जा रहा है। इन मस्जिदों में इत्र से महकाने का भी कार्य किया जाता है। इन मस्जिदों अनुमानित में 1,00,000 वर्ग किलोमीटर के एरियो में इसके फर्श, इसकी सतहों, पियाजों को पोछ और स्टरलाइज करना शामिल है। सऊदी न्यूज एजेंसी के मुताबिक राष्ट्रपति ने इन मस्जिदों की सफाई साफ सफाई के लिए 2,000 से अधिक पुरुष और महिला कार्यकर्ताओं को रखा है। यह 24 घंटे मस्जिद की साफ सफाई करती हैं। यह दुनिया भर से किसी भी हज करने वाले लोगों को, रोजदारों को इबादत में बिना बाधा डाले यह काम करते रहते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इन कार्यकर्ताओं को ग्रैंड मस्जिद को साफ करने में केवल 45 मिनट लगते हैं और सफाई में इन्हें केवल 30 मिनट का समय लगता है। यह कार्य बड़ी बड़ी सफाई की मशीन के द्वारा दुनिया की सबसे उच्च तकनीक से किया जाता है। इन दोनों मस्जिदों की सफाई के लिए 30 विशेष विद्युत युक्त कारें, 67 दूसरी अन्य मशीन उपयोग में ली जाती है। आपको बता दें कि मताफ की सफाई और स्टाइलिश करने के लिए 400 लीटर पानी का उपयोग किया जाता है। सफाई प्रक्रिया में यूज किए जाने वाले पानी की मात्रा मात्र टाफ के 12 वर्ग मीटर के लिए 1 गिलास पानी की इस्तेमाल होता है, जिसका एरिया तकरीबन 500 वर्ग मीटर होता है। सफाई करने वाली उच्च तकनीक की मशीनें किसी भी आगंतुकों को नुकसान नहीं पहुंचाती है। यह सभी मशीनें इलेक्ट्रॉनिक और पर्यावरण के अनुकूल है। इन सफाई के लिए इस्तेमाल होने वाला डिटर्जेंट भी स्पेशल है। ये डिटर्जेंट सुरक्षित और जैविक है। ग्रैंड मस्जिद और इसके प्याजों से रोजाना 100 टन कचरा हटाने के लिए एक अलग टीम कार्य करती है। यह कचरे की मात्रा रमजान शरीफ या हज के दौरान बढ़कर 300 टन रोजाना तक हो जाती है। इन कचरों को कम से कम समय में हटाने के लिए विशेष दल और अत्याधुनिक मशीनें इस्तेमाल की जाती है। ग्रैंड मस्जिद के अंदर और बाहर 2,000 से अधिक कचरा टैंपरस रखे गए हैं या प्रदान किए जाते हैं। दुनिया भर से आए या जरीन से ग्रैंड मस्जिद की सफाई और राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाली सेवाओं की तारीफ करते नहीं थकते हैं। राष्ट्रपति ने मस्जिद अल हरम के अंदर तकरीबन 1500 कचरे के डिब्बे भी रखे हुए हैं। इसके अलावा इस मस्जिद में 1500 पानी के कंटेनर भी स्थापित किया गया है। इनका इस्तेमाल सफाई करने में और मस्जिद अल हरम को चमकाने में किया जाता है। आपको बता दें कि 126 क्लीनर, 1983 बाथरूम साफ करना है, जबकि हरम शरीफ के अंदर करीब 21 अपरवर्तक एरियो और इसके बाहर भी 10 कर्मचारी काम करते हैं। मस्जिद अल हरम के बाहर शौचालय को साफ करने के लिए 223 पुरुष और महिला काम करते हैं। 350 महिला क्लीनर के तौर पर यहाँ काम करती है। यहाँ पर कारपेट जो धूल और पानी सोखने के लिए भी 70 से ज़्यादा लोग इसमें 24 घंटे लगे रहते हैं। वही इसमें 100 से ज़्यादा वाहन भी इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको बता दें कि 70 अत्याधुनिक वाहन हरम अल शरीफ और उसके आसपास के प्लाजा की सफाई का कार्य करते हैं। इनमें से 44 अल हरम के अंदर जबकि 22 प्लाजा में कार्य करते हैं। तो प्यारे दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और दिल से एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।